हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिशेस एंड बर्ड्स। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ गाइस, वो कंप्लीट एक्वेरियम सेटअप के बारे में है। आप लगभग महीनों भी सर्च करेंगे गाइस हर जगह से, तब जाके आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है गाइस, तो मैं एक थोड़े से बड़े वीडियो बनेगा गाइस। पर आप ये ना सोचें कि बहुत लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि आप महीनों सर्च करने के बाद जो मालूम करेंगे वो मैं लगभग आधे घंटे के अंदर बता देना चाहूँगा गाइस। लगभग पूरा कंप्लीट नॉलेज दूंगा पूरा एक्वेरियम सेटअप के बारे में गाइस, कि जैसे कि अपने एक्वेरियम में सैंड रखें, सॉइल रखें, ग्रेवल रखें, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए क्या ज़रूरत है, सैंड ज़रूरत है, सॉइल ज़रूरत है, ग्रेवल है, एक पूरा कंप्लीट सेटअप के बारे में बात करूँगा गाइस। तो बने रहे इस वीडियो में। तो जैसे कि ये सवाल है गाइस कि एक्वेरियम में सैंड रखे कि सॉइल रखे, ग्रेवल रखे, कौन सा है जो एक्वेरियम के लिए अच्छा है, वाटर के लिए अच्छा है, फिशेस के लिए बढ़िया है, हमें इजी टू केयर होगा। तो आज पूरा कंप्लीट इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस बेयर बॉटम और सब ट्रेट की। इसका मतलब है कि जो एक्वेरियम है गाइस वो पूरा नंगा रहे या फिर उसमें सब ट्रेट रहे। जैसे कि सब ट्रेट में आपका सैंड, सॉइल, ग्रेवल, केव, ड्रिप ट्यूब, ये सब हो गया, फिल्टर नहीं तो रखना ही है गाइस। तो इतने सारे हो गया सबट्रेट। और बेयर बटन हो गया बॉटम, यानी एक्वेरियम का जो बेयर बॉटम है और पूरा नंगा एक्वेरियम जो है उसका क्या बेनिफिट है। तो देखिए गाइस, जो एक्वेरियम पूरा बेयर है, नंगा है, उसका एक अलग ही रोल है। जैसे कि कुछ एक्वेरियम जो होते हैं वो फंक्शनल काम के लिए होते हैं, कुछ कामों के लिए होते हैं जो सबट्रेट, और कुछ जो होते हैं वो एस्थेटिक लुक के लिए होते हैं। सब जो सबट्रेट होते हैं उसे कुछ काम होता है, और कुछ सबट्रेट लुक के लिए होता है। बेयर बॉटम जो होता है वो लुक के लिए नहीं होता है, पर उसका एक अलग ही रोल है, काम है गाइस, अलग रोल है उसका, एक अलग काम है। तो अगर बेयर बॉटम की बात करें गाइस, तो सबसे पहला इसका अगर प्रॉस की बात करें, तो सबसे पहला इसका प्रॉस ये है कि ये ईजी टू क्लीन है। इसमें आपको कुछ भी फिल्टर सबट्रेट हटाने की ज़रूरत नहीं है, कैप हटाने की ज़रूरत नहीं है, ड्रिप ट्यूब हटाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम खाली एक्वेरियम है। आप सिंपली उस आप अगर आपका एक्वेरियम पूरा बेयर बॉटम है तो आपको एक्वेरियम को हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक कोई भी जो होता है गाइस बर्तन मांजने वाले जो सन होता है, उसी से अगर आप पूरे एक्वेरियम को साफ अंदर के ही वाटर को अंदर में ही रहने दें और साफ कर दें, और उसके बाद उसको किसी सक कर ले किसी उसे जो सबमर्सिबल मोटर, या फिर उसको कहते हैं गाइस एक साइपन पाइप से आप पानी को खींच ले और उसी में से आप साफ कर सकते हैं। आपको अलग से साफ करने का ज़रूरत नहीं है हटा के। तो बेयर जो बॉटम होता है गाइस, जब जितने भी एक्वेरियम शॉप में देख जाते हैं तो आप देखते हैं कि सभी लोग जो है बेयर बॉटम रखता है, क्योंकि उसे साफ करने में बहुत ईजी होता है बहुत, और एक्वेरियम भी एकदम क्लीन रहता है। क्योंकि फिल्टर जो है वो क्या करता है गाइस कि फिल्टर पत्थर के अंदर से गंदगी को सक नहीं कर पाता है। लेकिन यदि आपका एक्वेरियम बेयर रहेगा, नंगा रहेगा, तो सारा कचरा को खींच लेगा और फिशेस भी हेल्दी रहेगा। तो इसका एक अलग ही बात है गाइस, जो बेयर बॉटम होता है, नंगा एक्वेरियम होता है, उसका एक अलग ही बात है। तो उसके लेकिन थोड़े से ये भी है, कॉन्स भी है। तो कॉन्स ये गाइस कि लाइट रिफ्लेक्टेड होता है तो एक्वेरियम देखने में उतना अच्छा नहीं लगता बैक से, और एक्वेरियम भी पूरा खाली खाली भी लगता है। और दूसरा कॉन्स ये है कि ये नॉट गुड फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए कोई जगह नहीं बचता है बजाय कि फिल्टर। तो जैसे कि उसमें पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें नहीं रह पाता है। इसी कारण से कुछ लोग अगर एकदम बेयर बॉटम भी नहीं रखते हैं, कभी कभी एक दो प्लांट या फिर एक केव या ड्रिप ट्यूब डाल देते हैं, एकदम नंगा नहीं रखते, जैसे कि पत्थर वगैरह नहीं रखते, लेकिन कुछ कुछ सामान रख देते हैं जिसमें से कि बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। आप एक स्पॉन्ज ला के भी रख सकते हैं गाइस, स्पॉन्ज में भी बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा, अलग से कोई स्पॉन्ज ला के डाल दें और उसमें कचरा भी जमा हो जाए तो उसको साफ कर ले। और अगर हम इसकी बात करें गाइस बेयर बॉटम की, इतने सारे प्रॉस और कॉन्स हैं, और तो ये केवल बेयर बॉटम का था। अब हम सबट्रेट की बात करेंगे गाइस। अब सबट्रेट की बात करें गाइस, तो सबट्रेट में जो होता है वो सॉइल भी होता है और आपका सैंड होता है और ग्रेवल होता है। तो गाइस
तो जो सॉइल होता है गैस वो क्या करता है कि पीएच को थोड़ा सा लो करता है, जो बॉटम में फिश रहते हैं उसके लिए ये अच्छा माना जाता है सॉइल, क्योंकि वो वाटर के लो लेवल को थोड़ा सा पी न्यूट्रल के आसपास रखता है। ये काम ये नहीं कर पाता है, जो बेयर बॉटम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कोई बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है, पानी को वाटर को अल्टर करने कोई कुछ उपाय नहीं है। तो हो सकता है कि वाटर में बहुत ज़्यादा मिनरल कैल्शियम मैग्नीशियम बढ़ जाए, वाटर हार्ड हो जाए तो उसका पीएच बढ़ जाए, तो बहुत सारा ये भी कारण हो सकता है। वाटर के एक इन्वायरमेंट को बनाए नहीं रख सकता अगर बेयर बॉटम रहेगा, तो कभी कभी ये भी नुकसान देखने को मिलता है बेयर बॉटम में। तो आगे बात करते हैं गाइस सबट्रेट की। तो सबट्रेट में सॉइल, जैसे सॉइल जो है गाइस, सॉइल गिव्स न्यूट्रिशन टू प्लांट लुक्स नेचुरली। तो सॉइल क्या करता है, प्लांट को न्यूट्रिशन देता है और ये बहुत नेचुरली दिखता है। सबट्रेट की बात करें गाइस, बेयर बॉटम का हो गया, उसमें से जो सैंड एंड ग्रेवल डू नॉट हैव न्यूट्रिशन फॉर प्लांट, तो जो सैंड है और ग्रेवल है उसमें प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ नहीं गाइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम एक लोग कोई बीज रोपते हैं, जैसे आम का गुठली भी रोपते हैं, तो उस आम की गुठली को मिट्टी से जो है गाइस न्यूट्रिशन मिलता है, फिर वाटर मिलता है। लेकिन यदि आप ग्रेवल रखते हैं और आप सैंड रखते हैं, सैंड और ग्रेवल में आप देखेंगे गाइस कि प्लांट के लिए कोई न्यूट्रिशन का मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सॉइल है ही नहीं, तो मिट्टी उसमें है ही नहीं, तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले पाएगा, तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है प्लांट को। मिट्टी ना रहने के कारण गाइस न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये सैंड और जो ग्रेवल है इसका एक कॉन्स ये है। और इन एडिशन विथ रूट टैप सैंड एंड ग्रेवल्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन। तो इसका मतलब ये है गाइस कि अगर हम लोग सैंड और ग्रेवल के अंदर अगर टैप रूट रख दें, टैप रूट क्या होता है गाइस आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, रूट टैप एक छोटे छोटे मिट्टी का बना हुआ न्यूट्रिशन का बना हुआ एक तरह का टैबलेट होता है न्यूट्रिशन का, तो उसे सैंड और लोग ग्रेवल के अंदर डाल देता है ताकि प्लांट को वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता रहे, लेकिन वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मिट्टी जैसा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सॉइल की तरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये हो गया गाइस सॉइल का कुछ, आप सॉइल का कुछ प्रोस बताएं, उसका कुछ ये बताए हैं, और ग्रेवल का कुछ प्रोस बता देते हैं गाइस। तो ग्रेवल का प्रोस ये है कि ये जो फर्स्ट टाइम एक्वेरियम होता है उसके लिए बहुत ये सस्ता है और बहुत ईजी है, क्योंकि आप शुरू में अब सॉइल लगाते हैं तो मिट्टी लगाते हैं तो बहुत आपको देखते हैं कि उसमें बहुत परेशानी होता है उसे साफ करने में, फिल्टर क्या करता है कि उस मिट्टी को खींच लेता है, लेकिन और मिट्टी बहुत महंगा भी आता है। तो अगर आप ग्रेवल रखते हैं तो आप देखते हैं कि पहले जो एक्वेरियम होता है उसके लिए बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत ईजी होता है उसके लिए ग्रेवल। तो जो फर्स्ट टाइम एक्वेरिस्ट है गाइस उसके लिए ये मिट्टी का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो ये एक कॉन्स हो गया। एक और कॉन्स की बात करें गाइस, तो इट डू नॉट गिव न्यूट्रिशन टू प्लांट एंड डिफिकल्ट फॉर बॉटम ड्वेलर फिश चूज स्फीयर ग्रेवल टू बॉटम ड्वेलर फिश। तो जो हम ग्रेवल की बात करें गाइस, तो इसका कॉन्स ये है, जैसे कि इसका प्रोस है कि ये ईजी है, सस्ता है और ईजी केयर है, लेकिन इसका ये है कि जो बॉटम ड्वेलर फिश है उसके लिए न्यूट्रिशन का काम नहीं करता है और बहुत सारे प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम नहीं करता है। तो इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स है गाइस ग्रेवल का, तो वो मैं बात करता हूँ। जैसे कि ऑल एक्वेटिक प्लांट टू बी प्लांटेड इन टू इट विद द एडिशन ऑफ रूट टैप वाइल ग्रेवल इज नॉट द बेस्ट सब्सट्रेट फॉर ए फुली प्लांटेड टैंक बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड मिनरल टू हेल्प प्लांट ग्रोथ। तो जैसा कि मैं बात किया गाइस कि मिट्टी में जैसा न्यूट्रिशन होता है तो वो ग्रेवल में नहीं होता, रूट टैप होने के बावजूद भी ऐसा वो देखने को नहीं मिलता, तो ये इसके कौन से गाइस। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोस की। तो ग्रेवल डज डू नॉट चेंज द पैरामीटर ऑफ वाटर डेट सॉइल डज सो मेनी हॉबिस्ट लाइक ग्रेवल। तो बहुत कोई हॉबिस्ट होता है ग्रेवल पसंद करता है क्योंकि वो वाटर पैरामीटर चेंज नहीं करता है कि अचानक से वाटर पैरामीटर बदल दिया, लो कर दिया, पीएच या हाई कर दिया, जिसके कारण फिशेस को नुकसान हुआ, तो वो ग्रेवल नहीं करता है। तो बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद है गाइस। तो ग्रेवल के कुछ प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं गाइस। तो सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं तो और कॉन्स साथ साथ बात करते हैं। तो ये अफोर्डेबल है और कॉन्स ये है कि अनवांटेड डेब्रिस टेंड टू गेट ट्रैप्ड इन ग्रेवल्स।
तो जो 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 गंदगी होता है, जो डेब्रिस होता है, जो फिशेज द्वारा छोड़ा जाता है, वो मिट जाके पत्थर में फंस जाता है। तो ये इसके कौन से, देखिए गाइस सबके अपने प्रॉस और कौनस है। तो आप, मैं सारे कुछ बता दे रहा हूँ, आप अपने समझ के हिसाब से आप अपना एक्वेरियम बनाएं गाइस। फिर सेकेंड है ए लॉट ऑफ वेरिएशन साइज शेप एंड कलर। तो ये बहुत सारे वेरिएशन में मिलता है, बहुत सारे साइज में मिलता है और बहुत सारे कलर में मिलता है, जो ग्रेवल की बात करें। और इसे कौन की बात करें, नीड रेगुलर क्लीनिंग और वैक्यूमिंग। तो इसको रेगुलर क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पत्थर के अंदर गंदगी फंस जाता है, तो इसे रेगुलर क्लीनिंग का ज़रूरत है। पत्थर भी आपको साफ़ करने का ज़रूरत होगा, ग्रेवल भी। और थर्ड अगर बात करें गाइस इसके प्रॉस की, तो हैवी एनफ टू नॉट गेट किक्ड अप। तो ये इतना हैवी है कि किक्ड अप नहीं हो जाएगा, जैसे कि फिल्टर के द्वारा, जैसे कि सॉइल हो जाता है। तो इसके लेकिन कौन से की है गाइस कि शार्प ग्रेवल कैन बी हार्मफुल टू बॉटम फीडर। तो जो शार्प ग्रेवल होते हैं, जो पत्थर के अंदर घुस के रहना पसंद करते हैं, तो उसके लिए अच्छा नहीं है गाइस। पर आजकल वैसा स्टोन मिलता नहीं है शार्प, गोल गोल और चिकने चिकने स्टोन मिलते हैं, तो वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा कि एक और बहुत कुछ कुछ पत्थर होता है गाइस, जैसे कि झाग बोलते हैं लोग, जिससे पैर साफ करते हैं, वो भी डाल देते हैं। तो कभी कभी नुकसान हो सकता है फिशेस को, बॉटम ड्वेलर फिश को। और इसके प्रॉस की बात करें तो ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब गाइस कि ये निष्क्रिय है, मतलब ये वाटर के पैरामीटर को चेंज नहीं करता। लेकिन इसका जैसे कि कौन से कि डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट, तो प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो मैंने लगभग सॉइल के बारे में बात कर लिया गाइस, ग्रेवल के बारे में बात कर लिया, सैंड के बारे में भी बात करूँगा गाइस। तो लेकिन सैंड के बारे में बात करने से पहले मैं, जैसा कि लोगों का सवाल एक है गाइस कि डज एक्वेरियम प्लांट ग्रो इन ग्रेवल, तो क्या एक्वेरियम प्लांट ग्रो कर सकता है ग्रेवल में? तो हाँ कर सकता है, पत्थर में भी प्लांटेड एक्वेरियम जो है ग्रो कर सकता है। रूट टाइप आप दे दें और जो फिशेस के द्वारा जो न्यूट्रिशन छोड़ा, फिशेस के द्वारा जो डेब्रिस छोड़ा जाता है, जो अमोनिया छोड़ा जाता है, उसको नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, उस नाइट्रेट को प्लांटेड एक्वेरियम अपने अंदर ले लेते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वाटर भी न्यूट्रिशन का काम कर देता है, मिट्टी हर बार ज़रूरत नहीं होता है। तो हाँ ये बात सही है गाइस कि ग्रेवल में भी आपका प्लांटेड एक्वेरियम ग्रो कर सकता है। अब बात करें गाइस कि तो अब सैंड की बात करते गाइस, तो वही सेम सवाल है कि डज एक्वेरियम प्लांट ग्रो इन सैंड, क्या सैंड में ग्रो करता कर सकता है? हाँ गाइस घर कर सकता है। आप अगर सैंड रखते हैं तो आप रूट टैप दे दें, उससे भी प्लांटेड को न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और सैंड में एक फ़ायदा ये है गाइस कि आप सैंड देते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, लगता है जैसे समुद्र जैसा दिखने में। आप रूट टैप तो दें गाइस, साथ में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो कि प्लांट के लिए बेहतर माना जाता है। तो ग्रेवल में एक और बेनिफिट ये गाइस, जैसा कि सैंड में बता रहा हूँ, तो ग्रेवल में एक बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सॉइल हम देते तो न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रेवल होता है तो वाटर जैसे ही सर्कुलेट होते रहता है, तो प्लांटेड को उस तरह से न्यूट्रिशन मिलते रहता है। वाटर हमेशा सर्कुलेट होते रहता है, जब आप फिल्टर चालू करते हैं तो वाटर सर्कुलेट होता है, तो इससे भी प्लांटेड को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे गाइस कि बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के प्लांट ग्रो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, प्लांट उसमें भी ग्रो हो जाएगा। तो अब सैंड की बात जैसा कह रहे थे गाइस, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सैंड का क्या है गाइस कि इट इज़ ए मच फाइनर एंड सॉफ्टर वर्जन ऑफ ग्रेवल, इट इज मेड अप ऑफ रॉक सेल्स एंड अदर अर्दी मटेरियल। तो बात है गाइस कि जो सैंड है, जो हमें बालू मिलता है, वो एक तरह का ग्रेवल ही है, बस उसका फाइन है, बहुत फाइन कर दिया जाता है। तो या फिर जो फाइन हमें मिलता है जैसे छोटे छोटे टुकड़े, तो रॉक जितने भी ग्रेवल हो गए उसी सब का समझिए ये सॉफ्टर पार्ट है, ग्रेवल का ही सॉफ्टर पार्ट है, तो ये इसी को सैंड बोलते हैं। तो इसके प्रॉस ये गाइस कि आइडियल सब्सट्रेट फॉर वाटर फीडिंग फिश और फिश विद सॉफ्ट बेलीज। तो जिस फिशेस का गाइस पेट बहुत ही मुलायम होता है, जिसको बालू में लेटने में मज़ा आता है गाइस, जिसको अंदर छुपने में मज़ा आता है, उसको बॉटम ड्वेलर जो फिश है उसके लिए बालू बहुत ही मस्ती का काम करता है गाइस। बालू फिशेस के लिए, जो बॉटम ड्वेलर फिशेस होते हैं उसके लिए बहुत मस्ती का काम है ये। तो इसके कौन सी है गाइस, इट डज नॉट कम्स इन वैरायटी एंड कलर, लेकिन बालू जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी और कलर में हमें देखने को नहीं मिलता गाइस। तो इसकी एक और प्रॉस की बात करें तो सैंड कम्पैक्ट टुगेदर सो टाइटली डैट द डेब्रिस फ्रॉम द एक्वेरियम स्टे ऑन द टॉप ऑफ द सैंड, इट इज़ ईजी टू क्लीन।
तो क्या है गाइस कि जो सॉइल होता है वो बहुत टाइटली पैक होता है, तो जितने भी फिशेस के द्वारा जो डेब्रिज होता है वो बालू के अंदर नहीं घुस पाता है। तो आप साइपन पाइप की मदद से वो सब डेब्रिज को ऊपर से खींच सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है गाइस सॉइल रखने का। तो सबका एक बेनिफिट है, सबका कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। तो अब अगर हम इसकी बात करें गाइस कॉन्स की, तो सक्ड सैंड विद डेट्रिटस, सो यू हैव टू ऐड मोर सैंड आफ्टर एवरी वाटर चेंज। तो कहने का बात यहाँ पे ये है गाइस कि बहुत बार जो वाटर जो एक्वेरियम को साफ करते हैं, और जैसे कि बहुत बार जो कचड़े को खींचते हैं साइफन पाइप से, तो बहुत बार जो सॉइल होता है या फिर इधर उधर वेस्ट हो जाता है, तो हमें बार बार थोड़ा सा नया सैंड डालना पड़ता है। बहुत बार सैंड बर्बाद हो जाता है गाइस, जैसे कि बहुत बार फिल्टर के स्पॉन्ज में चला गया तो साफ़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, साइफन पाइप से खींचा गया उस कारण से बर्बाद हो गया। तो कभी कभी हमें सॉइल हमेशा बार बार ऐड करना पड़ जाता है, ये इसके कॉन्स है गाइस। तो और इसके कॉन्स ये है गाइस कि गेट किड अप इन टू द वाटर एंड प्रोसीड टू गेट सक्ड इन फिल्टर एंड पम्प्स कैन डैमेज इक्विपमेंट। तो क्या कहता है गाइस कि अचानक से सक्ड कर लेगा, कभी फिल्टर ख़राब हो सकता है, एक्वेरियम में जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकता है। तो कभी इसके भी नुकसान है गाइस, जिसके बेनिफिट है तो उसके थोड़े से नुकसान भी है। तो एक और कॉन्स की बात करें, द डेंसिटी ऑफ सैंड कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर प्लांट नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट। तो इसका जो डेंसिटी होता है ये टाइटली पैक होता है, तो ये प्लांट को ग्रो करने में उतना मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जड़ को इतना टाइटली पैक किया रहता है कि वाटर सर्कुलेट नहीं हो पाता और प्लांट को वैसा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन सॉइल में भी ग्रो करता है, ऐसा नहीं है गाइस, सॉइल में भी जो है प्लांट ग्रो करता है, लेकिन ये एक कॉन्स है। तो आप सॉइल अगर रखते हैं तो प्लांटेड एक्वेरियम ना रखें। मेरा मानना है कि अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम रख रहे हैं तो या तो आप सॉइल रखें या ग्रेवल रखें। अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम ना रख रहे हैं तो फिर आप ग्रेवल या सॉइल रखें। ज़्यादातर लोग ग्रेवल ही रखता है गाइस, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लांटेड एक्वेरियम के बहुत कोई शौकीन तो है, लेकिन प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम का ज़रूरत होता है, इसी कारण से लोग प्लांटेड एक्वेरियम नहीं रखते हैं। तो सॉइल की कुछ और बात कर लेते हैं गाइस। एक्वेरियम सॉइल सच एज UNS कॉन्ट्रो सॉइल और एकेरियो नियो सॉइल इज टाइपिकली ए क्ले बेस्ड सब्सट्रेट फुल ऑफ न्यूट्रिएंट दैट एक्सेल प्लांट ग्रोथ। तो कुछ कुछ सॉइल ऐसा होता है गाइस, जैसा नाम बताएं UNS कॉन्ट्रो सॉइल, एकेरियो नियो सॉइल, ये सब इस तरह का सब्सट्रेट है गाइस जिसमें न्यूट्रिशन मिला हुआ होता है, तो प्लांट के ग्रो के लिए बेहतर माना जाता है। तो इसमें भी एक प्लस सॉइल में भी एक ऑप्शन है गाइस न्यूट्रिशन के लिए। इसके प्रोस ये है गाइस कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो सॉइल जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो करने में एक बहुत अच्छा जगह देता है, क्योंकि ग्रेवल एक बड़ा बड़ा होता है लेकिन सॉइल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है सॉइल। तो देख सकते गाइस अभी तक आप पूरा कन्फ्यूज हो गए, सबके अपने प्रोस है और कौन से, सॉइल के अपने प्रोस है, ग्रेवल के अपने प्रोस है और प्लांटेड एक्वेरियम के अपने प्रोस है। तो लास्ट में गाइस मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से रखें, आप सॉइल रखें कि सैंड रखें ग्रेवल रखें। मैंने तो सब एक एक चीज़ बता दिया गाइस कि किसके प्रोस है कौन से। और एक और कौन की बात कर ले गाइस, नॉट गुड फॉर लाइफ बियरर, इट नीड मोर मिनरल इन वाटर लाइक गपीज एंड मॉलीज। तो जो लाइफ बियरर फिश है जैसे मॉली जो गपी जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो सॉइल वैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा पाता है, जैसा कि मिट्टी करा देता है गाइस, जैसा कि सॉइल करा देता है। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ गाइस कि जो मैं सॉइल के बारे में अभी तक सैंड के बारे में बता रहा था, तो अब मैं सॉइल के बारे में गया। तो जैसा कि मैंने बोला गाइस कि जो सॉइल होता है वो क्या करता है गाइस, जैसे कि मैं अभी बताया था जो कॉन्ट्रो सॉइल होता है, एकेरियो नियो सॉइल होता है गाइस, ये सॉइल होता है, ये बालू नहीं होता है, सैंड नहीं होता है, ये सॉइल है। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था गाइस कि मैं सॉइल को सैंड समझ गया था। तो ये सब जो सॉइल होता है इसमें न्यूट्रिशन मिला हुआ होता है, तो जैसा कि मैं बताया कि सॉइल जो होता है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए मदद करता है। तो सॉइल के लिए मैंने कुछ प्रोस एंड कॉन्स बताए थे गाइस, जैसे कि ये क्या करते हैं कि अल्टर वाटर क्वालिटी, लो पीएच ऑफ द वाटर, डेट हेल्प फॉर ट्रॉपिकल फिश। तो ये वाटर के क्वालिटी को अल्टर कर सकता है, कभी कभी पीएच को लो कर सकता है, तो ट्रॉपिकल फिश के लिए तो ठीक है गाइस, लेकिन कभी कभी कोल्ड वाटर फिश के लिए सही नहीं है लो पीएच।
तो इसके कॉन्स जैसे मैंने बताया था कि जो लाइव बियरर फिश होते हैं उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। तो सॉइल क्या करता है गाइस कि वाटर से सारा न्यूट्रिशन को खींच लेता है, जिसके कारण से क्या होता है गाइस कि जो लाइव बियरर फिश है उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो मिट्टी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बेहतर है लेकिन कभी कभी कुछ फिश के लिए उतना बेहतर नहीं माना जाता है गाइस, क्योंकि एक कारण है कि वाटर के अल्टर को चेंज कर देता है, वाटर पैरामीटर को चेंज कर देता है, जिसके कारण से कुछ फिशेज जो होते हैं उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो अगर हम इसके प्रिकॉशन की बात करें गाइस तो ऐड क्रस्ट कोरल ड्यूरिंग वाटर चेंज, तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी वाटर चेंज करें तो थोड़ा सा कोरल को आप क्रस्ट कर सकते हैं। जो कोरल आता है, जो कोरल जो होता है डेड कोरल, उसमें न्यूट्रिशन का काम करता है। तो जब भी आप वाटर को चेंज करें तो पानी में थोड़ा सा कोरल डाल दें, कोरल जो डेड कोरल डालेंगे गाय तो वाटर में फिर से न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा और मिट्टी उसको फिर से सक कर लेगा। तो बहुत ही आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, तो आप समझ सकते हैं गाइस, इसी कारण से मुझे इसमें बहुत थोड़ा सा समय लग रहा है बताने में, और बहुत लगभग मैं बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ गाइस इस वीडियो में। अब अगर हम कॉन्स की एक और बात करें तो यूएनएस कॉन्ट्रोल सॉइल इनिशियली रिलीज अमोनिया प्लांट ब्यूस प्लांट इट एब्जॉर्ब अमोनिया। तो शुरू में जो कॉन्ट्रोल सॉइल होता है वो क्या करता है, अमोनिया रिलीज करता है। तो जो ब्यूस प्लांट है वो अमोनिया को जो है गाइस कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए जो अमोनिया रिलीज होता है वाटर में उसको मेंटेन करने के कोई उपाय नहीं होता है, तो मिट्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वो क्या करता है अमोनिया को ही ब्रेक डाउन कर लेता है, उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सॉइल के कुछ प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं गाइस। तो सॉइल की सबसे पहले जो ये टॉपिक छूट गया था गाइस, मैं सॉइल का प्रोस एंड कॉन्स नहीं बताया था, सीधे मैं सैंड और सॉइल के बारे में, सैंड और ग्रेवल के बारे में बताने लग गया था। तो सॉइल के प्रोस बताते गाइस कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ, तो ये न्यूट्रिशन से पूरा भरा रहता है प्लांट ग्रोथ में, लेकिन इसके कॉन्स ये है कैन बी मोर प्राइसी देन अदर सब्सट्रेट, तो दूसरे सब्सट्रेट से ये बहुत ज़्यादा महंगा है। और दूसरे बात करें तो परफेक्ट फॉर ग्रोइंग लाइव प्लांट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज, तो जितने भी प्लांट होते हैं वो बिना डिफ़िकल्टी के ग्रो कर जाते हैं सॉइल में, नॉट ए लॉट ऑफ वेरिएशन, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, मिट्टी तो मिट्टी नहीं रहता है गाइस। अल्टर वाटर पैरामीटर मेक इट पॉसिबल फॉर सम हॉबीज टू कीप ट्रॉपिकल और सर्टेन स्ट्रेन ऑफ श्रिम फिश, तो जैसा कि क्या है गाइस कि वाटर पैरामीटर को ये थोड़ा सा लो कर देता है, तो जो ट्रॉपिकल फिश है और जो श्रिम्प है उसके लिए मदद हो जाता है। लेकिन जैसे इसके प्रोस है तो इससे कॉन्स भी गाय, जैसे सम सॉइल रिलीज अमोनिया इनटू वाटर बीच कैन लीड टू एल्गी स्पाइक, तो कुछ सॉइल जो है अमोनिया को रिलीज करता है तो एल्गी स्पाइक हो सकता है गाइस, वाटर में बहुत ज़्यादा एल्गी बढ़ सकता है। अब इसके एक और कॉन्स की बात करें तो अल्टर वाटर पैरामीटर नॉट इंस्टीड फॉर स्पीसीज ऑफ फिश डेट प्रेफर हार्डर वाटर, तो जो फिश हार्डर वाटर को पसंद करता है तो उसके लिए सॉइल बेहतर नहीं है। तो लास्ट में हम पूरा एक समरी बताने जा रहा हूँ गाइस, तो जैसा कि अगर आप ग्रेवल रखते हैं तो ठीक है, प्लांटेड अगर ना भी रखते हैं तो बेहतर माना जाता है, कोई बुरा नहीं है। अगर आप प्लांटेड रख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रूट टैप डाल दें, और फिर अगर आप सॉइल रख रहे हैं तो उसके लिए भी रूट टैप डालें, थोड़ा सा ये डाल सकते हैं, थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र एक आता है जो कि प्लांट ग्रो करने के लिए मदद करता है गाइस सॉइल में भी, और उसको बोलते हैं जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो वो काम करता है। अगर आप सीधे आप चाहते हैं कि नहीं हम सैंड और ग्रेवल ना रखें तो सॉइल रखें, तो सॉइल प्लांटेड एक्वेरियम के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो थोड़ा सा आप बार बार वाटर चेंज करेंगे तो वाटर में थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम जाएगा गाइस, तो डेड कोरल डाल दें। तो सॉइल एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, ऐसा कोई ये नहीं है गाइस, अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम रखते हैं सॉइल में बहुत अच्छा से ग्रो करेगा। और जैसे कि आप खाना देते हैं गाइस तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप खाना भी देंगे तो आप ये नहीं सोचें कि मिट्टी जो है वो वाटर से न्यूट्रिशन खींच लेगा, तो आप जैसे कि जो खाना देते हैं तो उससे भी वाटर में न्यूट्रिशन बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है गाइस, सॉइल में भी थोड़ा सा परेशानी है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन ये बेहतर है एक्वेरियम फिशेस के लिए बेहतर है। तो लगभग पूरा मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ गाइस, तो आज के वीडियो में इतना गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस, और एक और बात, आप एक बार में अगर ये वीडियो देखते हैं तो बहुत कुछ
कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए गाइस, क्योंकि आज मैंने जिस टॉपिक के बारे में बात की वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था, पूरा का पूरा साइंटिफिक है। तो आप वीडियो को एक बार सुन सकते हैं, दो बार सुन सकते हैं, तीन बार सुन सकते हैं गाइस। तो जैसे कि ये मेरा जो ये वीडियो है गाइस, ये लगभग हर समय मदद करेगा। ये सैंड वाले एक्वेरियम के लिए भी मदद करेगा, सॉइल वाले अगर आप एक्वेरियम रख रहे हैं तो भी मदद करेगा, वेयर बॉटम के लिए तो भी मदद करेगा, प्लांटेड एक्वेरियम में तो भी मदद करेगा, यानी हर तरह के एक्वेरियम के लिए मैं ये वीडियो जो है गाइस ये बहुत अच्छा है। तो आप किसी तरह भी एक्वेरियम रखें, अगर आप इस वीडियो को चार बार, पांच बार, दस बार भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगा गाइस। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा गाइस, तब तक के लिए बाय।